वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को राजस्थान में मजबूत बनाने की दिशा में काम करने की रही है, और इसीलिए जिस तेजी के साथ चाहे हमारे राज्य के उप स्वास्थ्य केंद्र से लेके प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से लेके सामुदायिक चिकित्सा केंद्र, उप जिला चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल हों, इनकी संख्या में सब सेंटर, सीएससी, पीएससी, एसडीएच, डीएच, इनकी संख्या में एक तरफ वृद्धि की गई है, और जो है उनको स्ट्रेंथन करने की, चाहे भवन है चाहे इक्विपमेंट है, इन पे पूरा फोकस किया गया है। कोरोना की इस महामारी के दौर में जिस तरह से राजस्थान ने काम किया, सरकार ने एक भी टेस्ट करने की फैसिलिटी पूरे राजस्थान में नहीं थी। जब 2 मार्च को पहला पॉजिटिव केस आया था, सैंपल हमको पूना भेजना पड़ा, और तब से लेके आज तक जिस ढंग से चाहे टेस्टिंग फैसिलिटीज की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, आज हम कह सकते हैं कि राजस्थान के जितने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने राजमेस के मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनके साथ साथ 8 जिलों में हमने टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप की है, प्राइवेट सेक्टर को परमिट किया है, हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है उनको परमिट किया गया है। कुल मिला के 31 सेंटर पे प्राइवेट सेक्टर को मिला के और सरकारी क्षेत्र को मिला के आज राजस्थान में टेस्टिंग फैसिलिटी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में शुरू की गई है।